बच्चे अवधे पर बैठने के बाद भी अगर अहंकार तुम्हारे साथ में है तो समझ लो कि तुम्हारा विनाश निश्चित है, विनाश निश्चित है। उसी सेठ के घर में उसको भैंस बन के जन्म लेना पड़ा था। सेठ रो
कहती थी भैंस की जीजी एक बात समझ में नहीं आती, ये सेठ जी हमारा पूरा दूध क्यों निचोड़ लेता है। तो जो बेस्ट फ्रेंड थी भैंस की, वो भैंस कहती थी कि ये सेठ बड़ा चतुर है, जिसको कर्जा देता है अगर वो चुका नहीं पाता है तो इसलिए भैंस बनकर दूध दे दे कर चुकाता है। इसलिए निवेदन है, किसी का पैसा ले, किसी का धन ले, किसी का 10 रुपया भी ले, याद कर कर वापिस चुकाना, नहीं तो मालूम पड़े उसके घर में भैंस बनकर आना पड़े।
अपनी कितनी पीढ़ी को नरक में भटक रहे हो। सोबरी ऋषि के घर में मनोमयी पूजा की तैयारी कर रही है, शिव का स्मरण करने की तैयारी है और क्रौंच गंधर्व आज सबको सीख लेने के बाद में, सबको समझाने के बाद में थोड़ा भ्रमण करने के लिए सिंहासन पर बैठने वाला, कितना लोगों को ज्ञान देने वाला। कल कल हमने कहा था, पहले जो कारीगर थे, जो गाड़ी सुधार देते थे, वो अलग ही होते थे। उनका गाड़ी सुधारने का तरीका कुछ अलग होता। अभी जो कारीगर है उनका गाड़ी सुधारने का तरीका है। गलती कर गए भ्रमण पर निकले, घूमते घूमते क्रौंच गंधर्व सोबरी ऋषि के द्वार द्वार पहुंच गए। दूसरे दिन तृतीया की बात याद आ गया, जम के बोलो जम जम। गणेश चतुर्थी, गणेश जी बैठे। अब स्त्री नारी पूरी रात जगी है, पूरी रात शिव की आराधना करी है, पूरी रात में पांच बार तो उसने स्नान किया है, पांच बार श्रृंगार धारण किया है और श्रृंगार धारण कर पूजन कर भगवान शंकर की आराधना में डूबी हुई है, भजन में लगी हुई है। केवल एक काम है उसका, स्नान करना, पूजन करना, स्नान करना, पूजन करना, भगवान का भजन में तल्लीन है, भगवान के भजन में डूबी है। उसका एक काम, उसके सिवाय उसके पास में रात में कार्य क्या है? जिस दिन व्रत है, जिस दिन साधना है, जिस दिन उसका उपवास है, उसको मतलब क्या किसी से? सुंदर सोबरी ऋषि ने जो भगवान शंकर के पूजन के लिए जो पाटा रखा था, उस पर केले का पत्ता, केले के पत्ते के ऊपर शिवलिंग का निर्माण, पार्वती जी का निर्माण और गणेश जी का निर्माण किया। रात्रि को सुंदर फुलेरा बांध पूजन चली है, बड़ा भाव से पूजन करी है, रात भर पूजन चली। पर क्या मालूम था कि इतना विद्वान जो सबको ज्ञान दे रहा है, सबको समझा रहा है, क्रौंच गंधर्व वो भी गलती कर जाएगा। सुबह का समय, बहुत सुंदर बात लिखी है, थोड़ा सा समझने की बात है, बहुत ध्यान देना इसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, विसर्जन करने के लिए जब नदी पर तालाब पर जहां बहता पानी हो, जहां सुंदर जल हो, बावड़ी तालाब नदी जहां विसर्जन करने के लिए भगवान शंकर का जाए, तो जिसने अपने व्रत करा होता है, जिसने अपने पास करा होता है, उसको विसर्जन तक जरूर जाना चाहिए। पूजन करने के टाइम पे
दुकानदार को बता देना कि अब मैं रात को बार बार नहीं आ सकूंगी, अब मैं भगवान की आराधना करूंगी, पूजन करूंगी, हाँ स्नान करने के लिए आई आई तैयार होकर तुम मुझे छोड़ आना, फिर मैं पूजन करूंगी वहाँ, वो हो सकता है आया जाना, पर थोड़ा बड़ी सत्संग भजन कीर्तन श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या भगवान का भजन वहां बैठे करते गड़बड़ी कर दी मनोनी ने, शंकर जी की आराधना करी करी पूजन करी करी और अपने पति से कहा स्वामी स्वामी क्या बात है मनोमयी, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, बोलिए क्या आप शंकर भगवान का विसर्जन कर कर आ जाएंगे, हाँ चले जाता हूँ, क्या आप शिव जी का विसर्जन कर कर आ जाओगे, हाँ हाँ चले जाता हूँ, पूजन आपने करी है, अर्चना आपने करी है, आराधना आपने करी है, शिव को निमंत्रण देकर आपने बुलाया है, तो छोड़कर भी कौन आया है, शंकर भगवान को पाटे पर जो भगवान शिव चौरंग पर पाटे पर केले के पत्ते पर बने थे पूजन जो हुई थी वो सोबरी ऋषि लेकर चल दिए, ले जाकर सोबरी ऋषि तो जैसे ही निकले इतनी देर में जो क्रोंच गंधर्व दुनिया को ज्ञान दे रहा था, जो क्रोंच गंधर्व सबको ज्ञान बांट रहा था, अपने इंद्र के सिंहासन के पास में बैठकर देवताओं के नजदीक रहने के बाद में वो क्रोंच गंधर्व सही नहीं रह पाया, और सोबरी ऋषि की धर्म पत्नी सुबह सुबह जब जब माताएं आखिरी पूजन करती है शंकर भगवान की, तो माता पार्वती जी को सिंदूर दान करती है, सिंदूर दान कर कर माताएं अपनी मांग में सिंदूर भरती है, हरताली करती जी करते आप लोगों को स्मरण होगा, आखिरी पूजन में जब माता पार्वती को सिंदूर का दान दिया, सिंदूर अपनी मांग में भरा, भर कर बस मनो में अंदर प्रवेश कर रही थी, इतनी देर में क्रोंच गंधर्व उस घर के अंदर प्रवेश कर गया और दरवाजा उसने बंद कर लिया, द्वार बंद करा, मनो में ही को लगा कि मेरे पति विसर्जन कर कर आए, बहुत ध्यान से सुनना जरा कथा था, कई लोगों का प्रश्न रहता है कि हम गणेश जी बिठाते हैं तो गणेश जी के पास में वो चूहा रहता है ये कौन था, तो यह हरियाली की कथा सुन लो आज मालूम पड़ जाएगा कि वो चूहा कौन था, कई लोगों का प्रश्न है कि गणेश जी के साथ जो चूहा रहता है, हम गणेश जी बिठाते हैं तो चूहा साथ में रहता है तो वो चूहा कौन था, तो उनको मालूम होना चाहिए कि चूहा कौन था, क्या गड़बड़ी कर गया था कि चूहा बन गया था, स्मरण होना चाहिए, मनोमयी को लगा रहा मेरे स्वामी आए, उसको भान नहीं हो पाया कि स्वामी नहीं है ये तो क्रोंच गंधर्व प्रवेश है, और गलत सोच से गलत विचार से अच्छे रह लेना ये भगवान की कृपा से ही हो सकता है, नीचे कर देख न बहु ऊंची गादी पर बैठ जाओ, बहु ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, बहु ऊंचे औहदे पर बैठ जाओ, बहु ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाओ, बैठने के बाद अपनी चित्त अपनी बुद्धि अपना विचार अपनी वाणी अपनी सोच सही बनाकर रख लेना बहुत कठिन, एक भगवान से प्रार्थना जरूर करना
से नीचा ना देखें, अपनी वाणी से अपने द्वारा हम किसी को नीचा ना दिखाया जाए, किसी को हमारी वाणी से चोट ना लगे, किसी को हमारी वाणी से कोई घात ना पहुंचे। हम कई बार कथा में कहते हैं, आज फिर कह रहे हैं, आपका मन मन कथा में लगे तो आप कथा सुनो, आपका मन करे किसी और वाला महाराज कथा कह रहा है उसमें कुछ सार्थक है तो आप सुनो, नहीं है आपके हाथ में रिमोट है आप टीवी बंद कर दो। बहुत सारे महाराज आ रहे होंगे चेंज तुरंत बटन ही तो दबाना है महाराज चेंज, उसमें क्या दिया गया है और दिल करे तुम्हारा कि हाँ हाँ कथा सुनना है और उसमें से कुछ ग्रहण करना है, कथा में से अगर ग्रहण करा है तो जीवन के साथ साथ एक पत्र आए रहा है पत्र में आया है। सबकी बड़ाई करना, सबकी प्रसन्नता करना, सर्वे भवन्तु
सुखी रहा, सब सुखी रहे, सब आनंद में रहे, सब खुश रहे, ये जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए। मेरे बोले अब हुआ होगा तो खूब मारो, ये
आते हैं कुबेरेश्वर धाम से तो अकेले नहीं आते, हमारा बाबा स्वयं अपनी तिजोरी खजाना लेकर चलता है, जिसने 7 दिन में बटोर लिया, बटोर लिया, जो रे गया वो रे गया, जिसने बटोरा वो 3 महीने में देख लेगा कि क्या क्या मिल गया, जो रह गया वो रह गया, जो रह गया। हिंगोली के बाहर से ढेर लोग कथा सुनने आ रहे हैं, हाथ उठाओ रे जो हिंगोली के बाहर भैया बहुत पाप करवाते हैं। एक बगीचे में संतरे देखे आंख ने, किसने देखे आंखों ने, लालच आ गया जीवन को, जीवन ने कहा मन को, मन ने कहा पांव को, चलो पांव गए वहां, पांव चढ़ गए ऊपर, पांव ने कहा हाथ से तोड़ लो, हाथ ने तोड़ा लेकर नीचे आया, माली आ गया पकड़ा, पीठ पर डंडे डंडे मार, बता देखी थी इसने, कहा इससे, इसने पांव से, पांव ने हाथ को, हाथ तोड़ कर लाया, जीवन को संतुष्टि मिल गई, पेट में संतरा गया, मार पीठ को पड़ गई और रो विसर्जन करने गए थे, आ रहे होंगे, रात भर की जगी हुई मनोमयी नैनों में नींद सा समा रहा था, बेटी और क्रोनोस दरवाजा बंद करे रे, इतनी देर में बस बस द्वार बंद हुआ था और मनोमयी का हाथ क्रोनोस गंधर्व ने पकड़ा, इतनी देर में शंकर भगवान की करुणा देखिए कि शोभरी ऋषि का आगमन हो गया, प्रवेश कर गए शोभरी, शोभरी ऋषि आए आए आए, दरवाजा बंद था, मनोमयी ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, क्रोध गंधर्व ने मनोमयी को खींचा, आवाज लगाई मनोमयी ने, जो चिल्लाई शोभरी ऋषि अंदर प्रवेश करे, क्रोंच गंधर्व को देखा तो क्रोध आ गया, अरे क्रोंच तो गंधर्व है, देवताओं के साथ बैठा है, कम से कम ये तो अंदाजा रखो कि तुम कहां बैठ रहे हो, देखने पर भी कीमत बढ़ जाती है, देखने पर भी कीमत बढ़ जाती है, मक्खी सब्जी पर बैठती है, सब्जी तो ली जाती है, मक्खी उस सब्जी के साथ उड़ती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, मक्खी कबाड़े के साथ उड़ती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, मक्खी दूध दही के साथ उड़ती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, मक्खी रद्दी के साथ उड़ती है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, पर मक्खी सुनार की दुकान पर जाकर सोने पर बैठ जाए तो कांटा धीरे धीरे आगे पीछे होने लगा, मक्खी कीमत 5,000 हो जाती है, 5,000 सब्जी
कुर्सी पर बैठे कोई कीमत नहीं, धोती पर बैठे कोई कीमत नहीं, और वो ही मक्खी जब सोने पर बैठी तो उसकी कीमत बढ़ गई। उसी तरह ये विचार करो कि कथा में बैठे हो तो कीमत कितनी है आपकी, जरा विचार कर। एक देवी मैया का फोटो
दर्शन करना, सती मैया का, कात्यायनी का, दुर्गा का, उमा का, कालरात्रि का, स्कंदा का, सबके गले में रुद्राक्ष की माला मिलेगी, ब्रह्माणी का, लक्ष्मी का, विष्णु भगवान का, ब्रह्मा जी का, इंद्र का, जितने ऋषि संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जितने हो गए, एक एक का स्मरण करिए, सबके गले में रुद्राक्ष मिलेगा। आखिर रुद्राक्ष में सब क्या है? कहा सामने अगर काला भी आ रहा है तो रुद्राक्ष आपके गले में है तो कुछ देर तो वो काल से भी लड़ लेगा। अटैक आ भी गया तो थोड़ी देर तो वो लड़ सकता है। बलवान ये तो तुम्हारे मारे प्राण जाने इतनी जल्दी नहीं देगा। ये बार दम तो रुद्राक्ष जगा ही देगा। बस होना शिव भक्ति का जज। शिव कथा कर रही है। सोबरी ऋषि ने क्रौंच गंधर्व को देखा और देखते से पहचान गए तो गंधर्व है। तो ऋषि जी मन इंद्र के पास में रहता है तो गंधर्व है। वो इतना बड़ा गंधर्व होकर देवताओं के नजदीक रहकर तूने ऐसा काम कर दिया कि मेरी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और तुझे अंदाजा नहीं लगा कि मेरी पत्नी ने शंकर भगवान की पूजन करी है, आराधना करी है और अभी पूजन कर कर मैं तो देवता का विसर्जन करने गया था। गजब गजब गजब। सोवरी ऋषि ने शिवजी को विसर्जन कर कर जो जल लेकर आया है। हमारे अनिया में हम देवता का जब विसर्जन करते हैं तो कलश में थोड़ा सा जल या हाथ में थोड़ा सा जल लेकर आते हैं अपने घर में छींचने के लिए। हाथ में थोड़ा सा जल जा क्रोध आ गया सोवरी बाबा का, श्राप दे दिया। जैसे तू मेरे घर में प्रवेश करा है ये दे दे कर मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू चूहे के योनि में चला जाए। मूसक बनेगा तू चूहा। एक ऋषि के घर में, संत के घर में बिना सोचे समझे प्रवेश कर गए। बिना सोचे बिना पूछे मैं तुझे श्राप देता हूं। मेरा श्राप है तुझको और मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू चूहे की योनि में, मूसक की योनि में चूहा बनेगा। क्रौंच गंधर्व रोता है, बिलखता है, सोबरी ऋषि के चरण पकड़ता है तो सोबरी ऋषि ने कहा ये तूने जो उपद्रव करा, तूने जो गलती करी है मेरी नहीं, इस मनोमयी की करी है। उसका व्रत था, उपास था, हरताली का व्रत था। कितना विधान है हरताली का, तीज का। नारी सुबह से लेकर पूजन तक रात्रि भर कुछ नहीं खाती है, ना पानी पीती है, ना चाय, ना दूध, ना भोजन। यहाँ तक मुख में थूक राल भी आती है तो नहीं निकलती है, इतना उस व्रत का विधान। पांडे पर केले का पत्ता रखकर शिवलिंग का निर्माण करती है, पार्वती जी का निर्माण करती थी, गणेश जी का निर्माण करती थी, विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करवाता। रात भर पांच समय, वैसे आया तो यहाँ का समय पूजन करो मना नहीं, पर पांच समय में पूजन ये नारी प्रदोष काल से जब थोड़ा सूर्य का अस्त होता है उसके समय पर उसी के बाद वो पूजन करना प्रारंभ कर देती है और शिव की आराधना करती है। मौली चंदन रोली हल्दी अबीर गुलाब चावल सब शिव को समर्पित कर फूल पत्तियां शमी पत्र बेल पत्र हाथ का फूल जहां जहां से पुष्प प्राप्त हो जाए वो पुष्प सात वृक्ष की पत्तियों को तोड़कर भी शंकर को समर्पित करता। कई लोग कह रहे थे गुरु जी
अपने घर में जो शंकर जी हैं उन पर बांध सकते हैं? नहीं, जहां हरताली का व्रत होता है, हरताली का तीज होती है, वहीं जहां शिवलिंग बनता है, माताएं पूजन करती हो, वहां फुलेरे का दर्शन, वहां फुलेरे का ध्यान देना। और हरताली का तीज का व्रत माताएं करती हैं, बेटियां करती हैं। अगर किसी कारणवश माता व्रत नहीं कर पाती, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया या कोई कारण हो गया, तो उस व्रत को उसके पति को करना चाहिए। पर हरताली का जो व्रत है, हरताली का तीज का जो व्रत है, ये मरते दम तक नहीं छूटता, आखिरी तक भी ये व्रत रहता है, इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता। इसलिए फुलेरे का दर्शन ऐसा नहीं है कि आप अपने घर में बांध लो और एक बार बांध लिया, कथा सुन करके सियोर वाले महाराज ने कथा सुनाई तो बांध लिया, ऐसा नहीं। जहाँ शिवरात्रि का पूजन, जहाँ हरताली का पूजन होता है, जहाँ हरताली का तीज का पूजन होता है, वहाँ फुलेरा बंधना चाहिए। हाँ, शंकर भगवान के मंदिर में फुलेरा मंदिर के अंदर बांध सकते, फिर कोई मना नहीं, उसका दर्शन आप कर सकते, उसका स्मरण आप कर सकते। दूध दही शहद घी शक्कर पूजन की थाली में सब रखकर शंकर भगवान के वस्त्र, नारी का अखंड सौभाग्य की सामग्री वस्त्र आदि रखकर शिव जी का पूजन कर संकल्प कर हरताली का तीज की कथा पढ़ पढ़ भगवान शंकर का स्मरण किया जाए। पूजा की थाली में फल रोड मिठाई सब रखकर जब हम पूजन करते हैं, किसी भी थाली में अगर कोई वस्तु कम है तो पूजन वाली जगह पर कभी नहीं कहना चाहिए कि तेरी थाली में यह कम है, बल्कि ये बोलो इस थाली में से ले ले और बाबा को चढ़ा। पर ये नहीं दिखाना ना, शंकर जी के सामने हमें किसी पर उंगली नहीं दिखानी, शिव जी के सामने हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना, शंकर भगवान के सामने उसके पूजन की थाली का या उसके पूजन विधान का कोई हमें एम नहीं निकालना। दुनिया के लोग शंकर भगवान की कथा में पूजन में अगर एम निकालते हैं, मुंह बनाते हैं या मुंह सड़ाते हैं, भगवान को कैसा सड़ाता है फिर वही जाना। इसलिए भगवान की पूजन में कभी मुंह मत बनाना, मेरा नहीं कभी भी बन सके तो किसी भी कार्य में हाथ बढ़ाओ, हाथ आगे बढ़ाओ कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए, पर अच्छे कार्य में अपना पांव मत अड़ाओ कि मैं ये नहीं होने दूंगा, मैं ये नहीं करने दूंगा, अच्छा कार्य करो। सास कर रही है ना पूजा, सास ने बोला ना बहू हरताली का तीज है, ले मेरा फुलेरा तैयार कर दे, हम मैं कर दे, प्रसन्न चित्त से करो, अच्छे दिल से करो, आवाज बड़ा बड़ा, अच्छे दिल से करो, प्रसन्न चित्त में करो, मन से करो ना उसको, स्वीकार का अच्छे दिल से करिए प्राप्त हो। माँ ने कहा 16 सोमवार के व्रत करें, किसी ने संकट सोमवार किसी ने करें 16 सोमवार बाद पूजन का सामान लग के रख दे। रानी ने दासी से कहा, सेविका से कहा, जाओ पूजन का सामान रखिया, और उस रानी को दर दर की ठोकर खाना पड़ी थी। सुनिए ना 16 सोमवार की कथा, संकट सोमवार की, उस रानी को दर दर की ठोकर खाना पड़ी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर बहू को मौका मिले, बेटियों को मौका मिले, घर के किसी व्यक्ति को मौका मिले कि शंकर जी के लिए ये सामान लाना है, खुश होकर लाए, प्रसन्न होकर लाए, हाँ मम्मी मैं कर देती हूँ, हाँ माँ। क्रोंच गंधर्व से सोमरी ऋषि के जैसे ही चरण पकड़े, चरण पकड़ने से ही सोमरी ऋषि ने कहा, मेरे चरण पकड़ने से तुझे मुक्तता
मोक्ष धन नहीं मिलेगा। तो इस चूहे की योनि से, इस मूसक की योनि से नहीं छूट पाएगा, तो मुझे करना क्या? कहा मनोमयी के चरण पकड़ ले, जिसने पूरी रात जागकर तप किया, साधना करी, पूजन करी, शिव की आराधना करी, तो उसके चरण पकड़ ले। उसके चरण जब पकड़े क्रोच गंधर्व ने, तब मनोमयी ने कहा क्या बात है गंधर्व, गलती हो गई है तुमसे, पर आगे से ये गलती ना हो, मैं तुम्हें वर देती हूँ। मेरे पति ने तुमको चूल्हा बनाया है, मूसक बनाया है, पर मेरे चरण पूजन करने के बाद पकड़े हो, इसलिए मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम गणेश जी के साथ पूजाओगे और उनका साथ दोगे और उनके साथ रहोगे। ये क्रोच गंधर्व को वर वर गया। अब इस कथा को सब समझ लेना जरा अच्छे से। जितने लोग आसाम पर सुन रहे हो, जितने लोग फेसबुक के ऊपर सुन रहे हो, जितने हिंगोली में सुन रहे हो, क्रोच गंधर्व को सोबरी ऋषि ने कहा कि मनोमयी के चरण पकड़ो। क्यों? क्योंकि मनोमयी में व्रत कर रहा था, साधना करी थी, उपवास कर रहा था और भगवान की आराधना करी थी, पूजन करी थी, इसलिए उनके चरण पकड़ा। हमारे यहाँ आज भी नियम है, जो जो पूजन करती है, सास ने पूजन करी या बहु पूजन कर कर उठी, तो उसका नियम होना चाहिए कि सास अगर किसी बड़ी पूजन से उठती है तो बहु को उसके चरण पकड़ना चाहिए, और अगर बहु पूजन कर कर उठी है तो भी घर के बड़ों के चरण पकड़ना चाहिए। क्या होता है उससे कि उसकी जिंदगी में कभी उसको दुख नहीं झेलना पड़ता, उसकी जिंदगी सुखमय बन जाती है। अगर पांव पड़ने से कुछ होता होता तो बात दूसरी है, तो शिव पुराण उठा के देख लो मार्कंडेय जी की उम्र कितनी थी, मात्र छोटी सी उम्र में मार्कंडेय जी को मरना था, प्राण छूटना थे मार्कंडेय बाबा का, पर उनको कह दिया अगर जितने भी बड़े मिले उनको प्रणाम करते जाना, और रोज सबको प्रणाम करता था। एक दिन माता पार्वती निकल कर जा रही थी, इसको भान नहीं था, ये स्त्री समझ कर प्रणाम कर लिया, छोटे से बच्चे को माता पार्वती ने वर दे दिया आयुष्मान भव, और वो आयुष्मान भव हो गया। और फिर मार्कंडेय को जब मरने का समय आया, यमराज के दूत पकड़ने के लिए आए, तब संसार के गण वहीं पर खड़े थे, उन्होंने कह दिया ये मर नहीं सकता मार्कंडेय, इस मार्कंडेय ऋषि को, इस मार्कंडेय को कोई मार नहीं सकता, क्यों? पार्वती जी का वर है। तो पार्वती ने कब वर दे दिया? पार्वती जी को बुलाया, आपने इसको कब आशीर्वाद दिया? पार्वती जी बोली मैंने तो आशीर्वाद ही नहीं दिया। मार्कंडेय ऋषि चित्रगुप्त महाराज ने देखा, कहा माता जी आप स्त्री के वेश में, एक ब्राह्मणी के वेश में निकल कर जा रही थी, एक छोटा सा बच्चा दौड़ते हुए आकर आपके चरणों में गिरा था, आपका पांव छुआ था, तो आपने आशीर्वाद दिया था चिरंजीवी भव आयुष्य।